जो फाइल सेंड की है वो आपके पढ़ने के लिए, तो आपको जैसे भी पढ़ना है ऑफलाइन ऑनलाइन मोड पे जैसे भी पढ़ना है वैसे आप डाल लेंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके यस, तो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं, अमन को लग रहा है चला गया अपने नाम दूसरे नेम ठीक करने। चलिए, सचिन का अभी तक ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है। ओके यस, तो लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड प्रोनाउन, तो प्रोनाउन का कहाँ तक हम लोग कर लिए थे? टाइप्स हम लोग खत्म कर लिए थे सारा, कि कुछ बचा था? टाइप्स ऑफ नाउन खत्म कर लिए थे कि कुछ बचा था हम लोग का? खत्म हो गया था मैम। खत्म हो गया था, चलिए ठीक है, खत्म हो गया था। तो लेट मी शो यू द रूल्स ऑफ प्रोनाउन, लेट मी जस्ट सी इफ आई कैन शेयर द पीडीएफ हियर। कहाँ है प्रोनाउन? ओके, मोस्टली सब कोई ज्वाइन कर चुका है, हालांकि आपका अटेंडेंस तो बढ़ते ही जा रहा है, फर्स्ट क्लास से तो काफी इंक्रीज हो गया आपका अटेंडेंस। यस अगेन, जितने भी नए स्टूडेंट हैं आई होप सबको यहाँ पर रोल नंबर मिल गया हो, अगर नहीं मिला है तो अपना आईडी नंबर कम से कम लिखा करिए डिस्प्ले में। लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड लेट्स सी इफ वी कैन स्टडी इट हियर। ओके चलिए, बहुत ज्यादा फिकर नहीं कर रहा है, पर अगर बीच में करने लगे बहुत ज्यादा स्क्रीन फ्लिकर तो मुझे बता देना। ओके यस, तो टाइप हम लोग सारे पढ़ चुके थे प्रोनाउन के, स्क्रीन अगर बहुत ज्यादा फ्लिकर करे तो मुझे एक बार बता देना, वॉइस में अगर कोई दिक्कत है तो वो भी बता देना। अदरवाइज लेट स्टार्ट आवर क्लास टुडे एंड वी आर गोइंग टू स्टडी हियर एग्जाम्पल्स एंड रूल्स एंड एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं आपके प्रोनाउन को यूज करते वक्त जो आपको ध्यान में रखने हैं, उन रूल्स के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नाउ लिसन केयरफुली, वेन एवर यू आर रीडिंग और लर्निंग अबाउट अ प्रोनाउन, ठीक है? प्रोनाउन में क्या होता है कि कुछ नाउन के जो रूल्स होते हैं, तो प्रोनाउन में भी, नाउन के रूल्स में भी आपने प्रोनाउन पढ़े होंगे, तो सिमिलरली वही हो सकता है कि यहाँ पर भी आपको नाउन का कुछ रूल्स जो है वो रिपीट हो रहा हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर आप नाउन की जगह पे प्रोनाउन लगा रहे हैं तो कुछ रूल जो ऑब्वियसली नाउन पे लागू होते हैं या नाउन फॉलो करते हैं, तो वो सिमिलर या सेम केस जो होगा वो आपके प्रोनाउन पे भी रहेगा, एप्लीकेबल होगा। ओके, तो वेन एवर यू आर स्टडिंग द नाउन और द प्रोनाउन, सिमिलर टाइप ऑफ सिमिलर सेट ऑफ रूल्स आर फॉलोड फॉर बोथ द सेंस। ओके, तो पहला रूल ये है कि सिंस अ पर्सनल प्रोनाउन वर्क्स इन अ प्लेस ऑफ नाउन, द नंबर जेंडर एंड पर्सन ऑफ द प्रोनाउन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द नाउन। यानी कि जैसा हमने यहाँ पर प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन के केस में पढ़ा था कि जेंडर के हिसाब से नंबर यानी कि फर्स्ट ये है सिंगुलर है या प्लूरल है, और पर्सन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, इन सब के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर प्रोनाउन लगना चाहिए। अगर आप प्रोनाउन लगा रहे हो तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले सिंगुलर है या प्लूरल है, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वाले सारे साइड कर दीजिए, प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन जो याद है आपको, अगर आपका नाउन जो प्रोनाउन जो है वो प्लूरल है तो प्लूरल वाले साइड कर दीजिए। यस, कीप योर माइक म्यूट प्लीज। एंड अगर आपका यहाँ पर जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया गया है, नहीं किया गया है तो आपके पास सिंगुलर के लिए पर्सन वाइज अकॉर्डिंग आपका स्पेसिफाई अगर नहीं किया गया है, जैसे अगर आप खुद को बोल रहे हो तो आपको जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जेंडर स्पेसिफाई करना है,
आपको खुद का जेंडर पता है, आप अपना नाम लिख सकते हो, या अपने बारे में जब बोल रहे हो तब आप इंट्रोडक्शन के साथ साथ या आई वगैरह लगाते हैं, तो वहां पर स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती है जेंडर, आई वी ये सब में जेंडर स्पेसिफाई नहीं होता है, थर्ड पर्सन के लिए जेंडर स्पेसिफाइड होता है। ठीक है, तो जेंडर देख लेना है, पर्सन देख लेना है, फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और उसके अकॉर्डिंग आपको रूल लगाना है विदाउट इवन नोइंग ऑल द रूल्स। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप बिना रूल जाने रूल्स फॉलो करते हो, या फिर आपको स्पेसिफिकली नहीं पता हो कि ये रूल एग्जिस्ट करता है, लेकिन स्टिल आप उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर रूल्स आपको पता ही हो फॉलो करने से पहले। ये सारे रूल्स आपने जैसे ही इंग्लिश के अगर कुछ भी क्लासेस किए हो, कहीं से भी आपने सेंटेंसेस जोड़ने की कोशिश की हो, तो ये सारे रूल्स आपने जरूर फॉलो किए होंगे। जिस तरह का आपका नाउन है, नाउन का जो भी नंबर है, नाउन का जो भी जेंडर है, नाउन का जो भी पर्सन है, सबके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर प्रोनाउन लगाएंगे। अंडरस्टूड? तो राम हैज लॉस्ट हिज बुक, तो यहाँ पर राम जो है वो थर्ड पर्सन है, सबसे पहले थर्ड पर्सन है, जेंडर मेल है और सिंगुलर है, इसके लिए हमने हिज लगाया। ठीक है, शी लव्स हिज हस्बैंड इज इनकरेक्ट, क्योंकि शी यहाँ पर लिखा गया है, तो शी के लिए हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव में यूज करते थे, यहाँ पर देखिए शी की जगह पर हर लगा है, हिज नहीं होगा, हर होगा, तो शी लव्स हर हस्बैंड। ठीक है, तो ये सारे आपको एग्जाम्पल हैं, और चाहिए तो और मिल जाएंगे, हालांकि ये छोटे मोटे रूल के लिए आपको बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स की जरूरत नहीं है। अगर कोई डाउट होगा तो मुझे पूछते जाना। रूल नंबर टू, रूल नंबर टू जो है आपका, वन मिनट, यस, रूल नंबर टू, व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन, दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन है, ठीक है, एंड के साथ ज्वाइन किए गए हैं। ठीक है, किसके साथ ज्वाइन किए गए हैं, एंड के साथ ज्वाइन किए गए हैं, द प्रोनाउन फॉर देम ऑलवेज इन, प्रोनाउन फॉर देम ऑलवेज इन द प्लूरल फॉर्म, उनका जो प्रोनाउन रहेगा, उनके लिए जो भी प्रोनाउन आप यूज करेंगे हमेशा प्लूरल नंबर रहेगा। ठीक है, अगर एंड के साथ आपने दो सिंगुलर नाउन जोड़ के रखे हैं, दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन जोड़ के रखे हैं, तो एंड के साथ अगर जोड़ेंगे, ये देखो ये एक नाउन का रूल था, अगर और के साथ जोड़ा है या इधर और के साथ जोड़ा था हमने, तो उस टाइम लिखा था क्या कि प्रोनाउन आपका सिंगुलर रहेगा। तो और का मतलब क्या होता है कि ए या फिर बी, या फिर अगर ए बी सी डी है तो ए बी सी डी में से कोई एक, और का यही मतलब होता है। तो यहाँ पर एंड का मतलब होता है कि ए भी और बी भी दोनों इंक्लूडेड है, तो आपका नंबर ऑफ जो नाउन होता है या नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो होता है वो ऑलरेडी इंक्रीज कर गया, चाहे आप सिंगुलर यूज कर रहे हैं चाहे आप प्लूरल यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी इंक्लूड करने से इंक्रीज कर जाता है नंबर ऑफ सब्जेक्ट, तो इसीलिए हम यहाँ पर जो भी प्लूरल नाउन लगाते हैं वो प्रोनाउन जो लगाते हैं हमेशा प्लूरल रहता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखिए, मोहन एंड सोहन हैज लॉस्ट हिज बुक, मोहन एंड सोहन हैज लॉस्ट देयर बुक। ठीक है, अगर यहाँ और रहता तो हिज बुक होता, वो करेक्ट है, एंड हो इसीलिए देयर बुक है। अंडरस्टूड? एनी डाउट जस्ट आस्क मी। मैम रिपीट कर दीजिए एक बार, मोहन एग्जांपल, वन मिनट, ओके। सेकेंड पार्ट में यहाँ पर देखो बोल क्या रहा है कि आपका जिस हिसाब का आपका अगर एंड के साथ दो सिंगुलर, ठीक है, मोहन एक आदमी है, सोहन एक आदमी, ठीक है, दोनों को हमने एंड से जोड़ा सेंटेंस में, तो यहाँ पर मोहन के बारे में भी सेंटेंस हो रहा है और सोहन के बारे में, दोनों में से किसी एक के बारे में नहीं हो रहा है, दोनों के बारे में हो रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सब्जेक्ट हमारा कितना हो गया, मोहन भी है सोहन भी, यानी कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट टू हो गया, तो यहाँ पर टू हो जाने की वजह से आपका प्लूरल हो गया नंबर ऑफ सब्जेक्ट, तो उसके लिए जब भी हम प्रोनाउन लगाएंगे, प्लूरल प्रोनाउन लगाएंगे, यहाँ पे जो देयर यूज हुआ है हिज बुक नहीं लगेगा, क्योंकि मोहन और सोहन को आपने एंड से जोड़ा है, इसीलिए यहाँ पर देयर बुक होगा, और ये देयर बुक रिप्रेजेंट कर रहा है कि सोहन की भी बुक और मोहन की भी बुक खो गई है। ठीक है,
दोनों की जो किताबें हैं वो खो गई हैं। कोई एक बुक हो सकती है दोनों की, हो सकता है कोई एक सब्जेक्ट की दोनों की बुक खो गई हो, या फिर एक से ज्यादा दोनों की बुक जो है वो खो गई है। ये स्पेसिफाई नहीं किया गया, लेकिन दोनों की किताबें खो गई हैं ये लिखा गया है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट दो है, तो सोहन ने भी अपनी किताब खोई और मोहन ने भी अपनी किताब खोई। तो इसमें एंड जोड़ने से क्या होता है कि आपने दो सेंटेंसेस को जोड़ा तो है, एंड आपका कंजंक्शन है, यानी कि आपने दो सेंटेंसेस को जोड़ा। तो पहला सेंटेंस ये था कि मोहन हैज लॉस्ट हिज बुक, एंड दूसरा सेंटेंस ये था कि सोहन हैज लॉस्ट हिज बुक। ये दोनों सेंटेंस को जब हमने जोड़ दिया तो मोहन और सोहन मिलाकर दो सब्जेक्ट बन गए। ठीक है, सब्जेक्ट नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है जिस पे जो काम कर रहा है वो नंबर इंक्रीज करके दो हो गया, एक से दो हो गया। तो दो हो गया मतलब प्लूरल हो गया, और प्लूरल हो गया तो उसके लिए हम प्लूरल प्रोनाउन लगाएंगे। समझ गए? ओके मैम। ओके, इफ देयर इज एनीवन हु इज हैविंग डाउट यू कैन आस्क मी। ठीक है, पूछने में कोई परेशानी नहीं है, आई विल एक्सप्लेन अगेन। रूल नंबर थ्री, ठीक है, व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन, प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड, नॉइस नहीं क्रिएट करें। व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन जॉइंड बाय एंड एंड प्रीसीडेड बाय ईच, मतलब यहाँ पर नाउन दो से ज्यादा है, ठीक है, दो या दो से ज्यादा है, एंड से ज्वाइन हो रहे हैं, यानी कि दूसरा वाला जो रूल था उसी के सेम सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर ईच भी आ रहा है। प्रीसीडेड मतलब उनसे पहले, सक्सीडेड मतलब उसके बाद, प्री जहां पर हुआ, प्री का मतलब पहले, सक्सीड का मतलब आगे। ठीक है, तो अगर प्रीसीडेड लिखा है तो इसका मतलब पहले, सक्सीडेड मतलब उसके आगे, प्रेडेसर या सक्सेसर कहते हैं, ठीक है, सॉरी प्रेडेसर और सक्सेसर कहते हैं, मतलब प्रेडेसर मतलब उसके आने से पहले, सक्सेसर मतलब उसके आने के बाद। ठीक है, तो प्रीसीडेड मतलब दो सब्जेक्ट हैं, दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट हैं, एंड से जोड़े गए हैं, और यहाँ पर ईच उनके आगे लगा है, दो जो सब्जेक्ट हैं उनके आगे लगा है, या फिर एवरी, ठीक है, ईच लगा है या फिर एवरी लगा है, तो यहाँ पर प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर हो जाएंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच जो है, एवरी जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी नाउन हैं, दो से ज्यादा हैं, दस हैं, दस हजार हैं, सबको मुझे सेम सेंटेंस बोलना है। तो उस केस में मैंने क्या किया कि यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट थे सबको इंक्लूड करके वो सेम सेंटेंस बनाया, और उस सेम सेंटेंस में मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन लगता है, और सिंगुलर प्रोनाउन इसीलिए लगता है क्योंकि ईच और एवरी के साथ आप एक ग्रुप बनाते हैं जो कि हमेशा सेम प्रेडिकेंट सेम सेक्टर में रहता है। जैसे यहाँ पर एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर टुक हिज और हर सीट, तो यहाँ पर हिज और हर इसीलिए लिखा गया क्योंकि जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। अगर जेंडर स्पेसिफाइड हो, जैसे कि आप अपने एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में मान लीजिए कि चार लड़के हैं सिर्फ, तो उस केस में आप सिर्फ हिज लगाएंगे, हर नहीं लगाएंगे। अंडरस्टूड? ईच ऑफ राम एंड श्याम हैज डन हिज वर्क, ठीक है, या फिर ईच ऑफ देम भी लिख सकते हो, हैज डन देयर वर्क। तो यहाँ पर देम जो है वो राम और श्याम को स्पेसिफाई कर रहा है, तो ये चीज आपको मेंशन पहले करनी होगी। अगर आपने मान लीजिए कि एक सेंटेंस लिखा है कि राम और श्याम वर वर्किंग, तो इसका मतलब राम और श्याम वर्क कर रहे थे, Each of them had finished their work. ठीक है, मतलब उन दोनों ने ही यहाँ पर काम कंप्लीट कर लिया, लेकिन यहाँ पर दोनों का नाम लिखा गया है इसीलिए यहाँ पर his work आया है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर अब नाम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट अच्छा, एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर took his or her seat. यहाँ पर एवरी स्टूडेंट मतलब जितने भी स्टूडेंट थे उन सभी ने, और जितने भी टीचर्स थे उन लोगों ने भी अपनी अपनी सीटें ली। तो ईच और एवरी दोनों का मतलब होता है कि जितने स्टूडेंट्स हैं उन सभी को स्पेसिफिकली ये सेंटेंस बोला गया है। ठीक है, मान लीजिए 10 स्टूडेंट है तो 10 बार ये सेंटेंस रिपीट करना पड़ेगा कि नाम लेकर कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने अपना सीट ले लिया।
पर्टिकुलर स्टूडेंट ने अपना सीट ले लिया, इस पर्टिकुलर टीचर ने अपना सीट ले लिया, तो यहाँ पर नाम ना लेकर हमने डेजिग्नेशन की तरह स्टूडेंट और टीचर लिख दिया है. एंड वन मोर थिंग, ईच एंड एवरी के बाद नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है. स्टूडेंट नहीं होगा स्टूडेंट होगा, टीचर्स नहीं होगा टीचर होगा. हर नाउन जो ईच और एवरी के बाद लिखा रहता है हमेशा सिंगुलर रहेगा, हमेशा. एंड के साथ जुड़ा हो चाहे और के साथ जुड़ा हो, इसके साथ प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर रहेंगे. ठीक है? यस माधव. मैम यहाँ रूल नंबर 3 के दो एग्जांपल में ईच ऑफ राम एंड सैम हैज डन हिज वर्क, और थर्ड में मैम ईच मैन एंड ईच बॉय, इसका मतलब मैम ईच मतलब राम. हाँ, दोनों में यही ऑफ है, एक हाँ. में ईच मैन है, तो मैम थर्ड वाले में तो ईच ऑफ लग सकता था. नहीं नहीं, ईच ऑफ मैन नहीं लगेगा, ईच ऑफ तब लगता है जब आप ईच ऑफ देम लिखते हैं या फिर ईच ऑफ पर्सन का नाम लिखते हैं. ठीक है, ईच ऑफ तब लिखते हैं. ईच ऑफ लिखने का मतलब ये हो जाता ना कि ईच ऑफ मैन हो जाता वहां पर. ठीक है, ईच ऑफ आप लिख सकते हैं, वो सर करेक्ट सेंटेंस है, ऐसा गलत नहीं हो जाएगा ग्रामर में अगर लिखोगे तो. लेकिन जैसे यहाँ पर एवरी के बाद स्टूडेंट आया, तो स्टूडेंट यहाँ सिंगुलर है, तो ईच ऑफ स्टूडेंट लिखोगे. अगर ईच ऑफ के आगे लिखना है तो कॉमन नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा. अगर आप नाम लगा रहे हो तब आप नाम तो प्लूरल सिंगुलर नहीं कर सकते हो, तो नाम लगा रहे हो तो दैट इज ऑल राइट. यहाँ पर ईच ऑफ मैन एम ई एन जो प्लूरल में होता, या ईच ऑफ बॉयज आ जाते. यस अंशु. मैम बोल रहे हैं एक सेंटेंस में एवरी और ईच दोनों यूज कर सकते हैं क्या, जैसे कि ईच मैन एंड एवरी? नहीं नहीं, वैसे नहीं, ईच एंड एवरी हो जाएगा. अगर ईच एंड एवरी दोनों साथ में, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ईच एंड एवरी टीचर, इस तरह से हो जाता है. ओके. एनी मोर डाउट्स रिगार्डिंग दिस? देखो बस कुछ नहीं, दो चार चीजें हैं जो इस रूल में आपको ध्यान रखना है कि ईच के बाद या एवरी के बाद, चाहे ईच लगा हो चाहे एवरी लगा हो, उसके बाद डायरेक्टली अगर कोई नाउन आ रहा है तो वो हमेशा सिंगुलर में रहेगा. ठीक है, नाउन मतलब नाम नहीं, नाम को कभी भी इंक्लूड मत करना. जितने भी रूल्स लगते हैं, जितना भी सिंगुलर प्लूरल बता रही हूँ, वो कलेक्टिव नाउन बाकी सारे नाउन के लिए है. ठीक है, प्लूरल प्रॉपर नाउन जो रहता है, प्रॉपर नाउन कभी भी सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है. ठीक है, तो ईच और एवरी के डायरेक्टली बात अगर कोई नाउन लगा है तो वो सिंगुलर लगेगा. अगर ऑफ बीच में लगा है तो आपका कॉमन नाउन जो भी लगा है या कलेक्टिव नाउन जो भी लगा है वो प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा. अगर हो सकता है तो, जैसा कि हमने नाउन में देखा है कि कुछ नाउन कभी भी फॉर्म चेंज नहीं करते हैं, चाहे सिंगुलर में हो चाहे प्लूरल में हो, तो अगर चेंज हो सकता है तो आप उसको प्लूरल में चेंज करेंगे. अगर वो वर्ड चेंज होने वाला नहीं है तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे. ठीक है, ये सब मैं इसीलिए बता रही हूँ, इसलिए नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो. हर एक चीज क्लियर आउट कर देते हैं. ठीक है, एवरी के बाद हमेशा अगर नाउन लगे हैं, सिंगुलर नाउन लगे हैं एक से ज्यादा, तो यहाँ पर एंड के साथ जुड़ा हुआ है वो, उसके बावजूद यहाँ पर जो प्रोनाउन यूज होगा वो सिंगुलर यूज होगा, क्योंकि ईच और एवरी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन्स है खुद में ही, जो कि सेंटेंस को आपस में जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे यहाँ राम और श्याम है, तो यहाँ पर ईच ऑफ लगाने का मतलब ये हुआ कि राम और श्याम में ये सेंटेंस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, ये सेंटेंस दोनों को बोला गया है एक एक करके. ठीक है, राम हैज डन हिज वर्क, श्याम हैज डन हिज वर्क, दोनों को साथ में जोड़ दो तो ईच ऑफ राम एंड श्याम हैज डन हिज वर्क. ठीक है, स्टूडेंट्स जो है, स्टूडेंट हैव, अगर प्लूरल फॉर्म में लिखना चाहते हो, ईच ऑफ स्टूडेंट हैज टेकन देयर सीट. ठीक है, ईच ऑफ स्टूडेंट का मतलब हो गया कि एक एक स्टूडेंट ने अपना सीट ले लिया, तो वहां पर हैज हो जाएगा, प्लूरल में हो, सॉरी सिंगुलर में होगा. ठीक है, सो दिस इज योर थर्ड रूल. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट जस्ट आस्क मी, और एल्स लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट रूल. फोर्थ रूल जो है, रूल जैसा का वो दिखा दीजिए तो. क्या बच्चे? फर्स्ट रूल
फर्स्ट रूल ये है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हम लोग कर चुके हैं, आपको स्क्रीन पे मेरे ख्याल से पूरा दिख रहा होगा। yes, ये तीनों रूल अभी तक हम लोग। हाँ, नेक्स्ट आपका है रूल नंबर फोर। रूल नंबर फोर इज टेलिंग कि जब आपका सिंगुलर नाउन है और प्लूरल नाउन है, ठीक है, मतलब एक नाउन आपका सेंटेंस में सिंगुलर है, एक नाउन आपका सेंटेंस में प्लूरल है, ठीक है, तो इस केस में सिंगुलर के साथ प्लूरल को हमने और के साथ कंबाइन किया, या आइदर और या नाइदर नॉर के साथ, जहां पर दो ऑप्शन वाला केस रहता है, ठीक है, सिर्फ दो ऑप्शन वाला केस रहे, दोनों में से कोई एक चूज करना है या दोनों में से कोई नहीं चूज करना है, वो वाले केस रहते हैं, और इन वर्ड्स को हमने एक सिंगुलर नाउन और एक प्लूरल नाउन के साथ लगाया। तो सिंगुलर नाउन जो है वो हमेशा सबसे पहले आएगा, सेंटेंस में पहले आएगा, और उस जो हमारा प्रोनाउन है वो मस्ट बी इन प्लूरल नंबर, यानी कि प्रोनाउन हमारा पीछे वाले के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है, जिसके जिससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो हमेशा सिंगुलर रहेगा, और उसके बाद ये सारे जो इंक्लूडेड हैं और आइदर और नाइदर नॉर, इन सभी के बाद आपका प्लूरल नाउन लगेगा और उसके साथ ही प्रोनाउन उसी की तरह लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आइदर द मैनेजर और हिज सबॉर्डिनेट, मैनेजर आपका एक होता है सिंगुलर, सबॉर्डिनेट कितने भी हो सकते हैं, उसी के सबॉर्डिनेट्स हैं यानी कि उसके अंडर काम करने वाले, फेल्ड इन देयर ड्यूटी, तो यहाँ पर देयर लगा है जो कि सबॉर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग प्लूरल फॉर्म में लगा है, ना कि मैनेजर के अकॉर्डिंग, तो देयर ड्यूटी इन सेंडिंग द ऑफिशियल मैसेज, ठीक है, तो यहाँ पर कहना सिर्फ इतना चाह रहा है कि अगर ये सारे वर्ड सेंटेंस में यूज हो रहे हैं और इनके साथ हमने एक नाउन सिंगुलर एक नाउन प्लूरल लगाया है, सिंगुलर नाउन हमेशा आगे आएगा, ठीक है, प्लूरल नाउन बाद में आएगा, और प्रोनाउन भी हमेशा प्लूरल लगेगा, ठीक है, जैसे मतलब समझ लीजिए कि इस पार्ट तक हमारा सेंटेंस जो है इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है, ये सिर्फ हमने जोड़ने के लिए लगाया है, इस तरह से ये क्रिएट हुआ है सेंटेंस कि इससे यहाँ वाला जो पार्ट है प्लूरल के अकॉर्डिंग पूरा सेंटेंस चल रहा है, सिंगुलर वाला हमने बस जोड़ने के लिए लिख दिया है, ठीक है। एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? यस श्रीकांत मैम, और का एक एग्जांपल दे दीजिए, जैसे कि आइदर और नाइदर नॉर, ये तो मैं समझ गया, एक और भी दिया तो और टाइप से एग्जांपल देते हैं, और का एग्जांपल हो जाएगा, और का एग्जांपल अगर मैं दूं तो और का एग्जांपल हो जाएगा कि राम केम, राम और हिज फ्रेंड केम टू द पार्टी, ठीक है, राम और हिज फ्रेंड हैड कम टू द पार्टी, और राम एंड और हिज फ्रेंड वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ये वाला सही हो जाएगा, राम और हिज फ्रेंड्स ना कि फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स, राम और हिज फ्रेंड्स वर इन द पार्टी, ठीक है, ये सेंटेंस हो गया आपका। तो यहाँ पर राम जो है वो पहले आ रहा है, उसके बाद हिज फ्रेंड्स आया, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब लगाएंगे, अगर लगेगा प्रोनाउन कोई लगेगा या फिर जो भी यहाँ पर सेंटेंस रहेगा वो उसके अकॉर्डिंग लगेगा। ओके, इफ देयर इज नो फर्दर डाउट लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है आपका रूल नंबर 6। व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन, यानी कि यहाँ पर सिर्फ सिंगुलर नाउन यूज हो रहे हैं आइदर और नाइदर नॉर के साथ, तो उनके साथ सिंगुलर फॉर्म में प्रोनाउन लगेगा, यानी कि अगर नाउन जो है आपका सिर्फ सिंगुलर रहे, ठीक है, एक जैसे हमने ऊपर एक प्लूरल एक सिंगुलर पढ़ा था, तो यहाँ पर दोनों ही जो नाउन है वो सिंगुलर है, तो राम और मोहन शुड इन्वेस्ट हिज मनी इन सम बिजनेस, ऊपर मैंने बताया था कि और आइदर और नाइदर नॉर में जब सिंगुलर नाउन यूज हो रहा है इसका मतलब उन दोनों में से कोई एक करेगा या दोनों ही नहीं करेंगे, ठीक है, नाइदर का मतलब दोनों ही नहीं करेंगे, तो राम या ये दो सेंटेंसेस जो हैं, ठीक है, राम जो है
या तो राम इन्वेस्ट करेगा या फिर मोहन इन्वेस्ट करेगा, ये दोनों ऑप्शनल है कि राम हो सकता है कर दे या फिर मोहन हो सकता है कर दे, तो दोनों में आप श्योर नहीं है कि कौन करेगा। तो इस केस में क्या होगा कि राम और मोहन जो है, यानी कि अगर मोहन ने नहीं किया तो सेंटेंस अकॉर्डिंग टू राम है, राम इन्वेस्टेड हिज मनी इन द बिजनेस। अगर राम ने नहीं किया तो सेंटेंस अकॉर्डिंग टू मोहन है, मोहन शुड इन्वेस्ट हिज मनी इन बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका और का मतलब हो जाता है कि या तो ये होगा या फिर ये होगा, दोनों में से कोई एक। ठीक है, तो नाइदर नॉर वाला भी यही केस हो गया कि नाइदर राम नॉर श्याम कन्फेस्ड हिज गिल्ट, दोनों सिंगुलर अगेन। आइदर सीता और कमला फॉरगॉट टू टेक हर प्राइस, दोनों में से कोई एक जो है वो भूल गई है अपना प्राइस लेना। ठीक है, इन दोनों में से दोनों ही जो है वो ना तो राम ने अपना गिल्ट कन्फेस किया ना ही श्याम ने किया, ये कहना चाह रहा है ये सेंटेंस। तो इस केस के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो अगर आपका जो यहाँ पर नाउन है वो सिंगुलर रहे, आइदर और नाइदर नॉर के साथ जुड़ा है, तो आपका प्रोनाउन जो है हमेशा सिंगुलर रहेगा, इतना ही आपका रूल है। सिंगुलर इसलिए रहेगा क्योंकि आपका प्रोनाउन हमेशा जो नाउन है जिसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बन रहा है वो दोनों ही सिंगुलर है। आइदर और नाइदर नॉर या और वाला केस में होता क्या है कि दोनों में से कोई एक रहता है, दो ऑप्शंस में से कोई एक रहता है, तो इसी वजह से हमारा जो प्रोनाउन भी होगा वो सिंगुलर हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर, अगर नहीं तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सॉरी रूल नंबर सिक्स, आइदर एंड नाइदर आर ऑलवेज यूज इन रिलेशन टू टू थिंग्स और टू पर्सन, फॉर मोर देन टू एनी और नन आर यूज। जैसे कि मैंने आपको नाउन वाले रूल में भी बताया था, यहाँ ऊपर जब मैंने बताया था किस चीज के लिए यूज होता है ये सारे प्रोनाउन, उस टाइम भी बताया था आइदर और आपका यूज होता है जब आपका टू थिंग्स या फिर टू पर्सन यूज होगा, उससे ज्यादा होगा तो एनी या फिर नन यूज करेंगे। ठीक है, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स कैन पे फॉर इट, टू गर्ल्स हैं तो आइदर लगा। नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैव बीन सिलेक्टेड, टू ब्रदर्स हैं तो नाइदर लगा। एनी वन ऑफ द एम्प्लॉयज कैन क्लेम इट, मतलब यहाँ पर एम्प्लॉयज कितने हैं नंबर नहीं पता आपको, तो कोई भी एनी वन ऑफ द एम्प्लॉय, कोई भी एक एम्प्लॉय वहां पर क्लेम कर सकता है। ठीक है, नन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास हैज पास्ड, यहाँ पर स्टूडेंट जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत सारे हैं, तो नन का मतलब किसी ने भी वहां पर पास नहीं किया क्लास में। इफ यू लुक केयरफुली यहाँ पर एम्प्लॉयज और स्टूडेंट दोनों ही प्लूरल फॉर्म में है, उसके बावजूद आपका यहाँ पर सेंटेंस जो है वो सिंगुलर के अकॉर्डिंग लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि उनमें से कोई एक या उनमें से कोई भी नहीं, अगर कोई भी नहीं है उस केस में भी आप सिंगुलर लगाते हैं, इसका रीजन ये है कि उनमें से कोई एक होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ। अंडरस्टूड, तो एनी ऑफ द एम्प्लॉयज कैन क्लेम इट, तो यहाँ पर एम्प्लॉयज जो है नंबर में बहुत ज्यादा है लेकिन उनमें से कोई एक ही क्लेम कर सकता है। None of the students of this class has passed, मतलब कोई एक तो कम से कम करना चाहिए था लेकिन किसी ने नहीं किया। Understood? Any doubt in rule number 6? It is more easier to understand क्योंकि noun के rules आपने कुछ already पढ़ चुके हैं, तो similar है कुछ, तो इसी वजह से यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा problem नहीं create होगी समझने में, अगर हो रही है तो पूछ लेना। Can we move on to the next part? ये सिक्स नंबर रूल क्लियर हो गया सबको? यू कैन रिस्पॉन्ड टू दिस इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट, यस और नो में रिस्पॉन्ड कर दीजिए। यस मैम। नंबर क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, चलिए ठीक। रूल नंबर 7, व्हेन इन अ सेंटेंस वन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑल द प्रोनाउंस इन द सेंटेंस must be changed into one or ones or not his or her to him. इसका मतलब जो हमने प्रोनाउन पढ़ा था वन सेल्फ वाला,
ठीक है, एवरी वन में से अगर हम एवरी हटा देते हैं तो वन भी एक प्रोनाउन होता है, ये बताया था मैंने। तो यहाँ पर वन जो है आपका, वन अगर यूज हो रहा है तो उसके साथ अगर हम कोई भी प्रोनाउन लगा रहे हैं तो वंस लगना चाहिए, ना कि हिज, हर और हिम, या देयर भी नहीं लगेगा। ठीक है, वंस ही लगेगा अगर आपका सेंटेंस उसी तरह स्ट्रक्चर किया गया है। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। तो यहाँ पर वन जो भी है, कोई भी एक हो सकता है, कोई भी दो हो सकता है, नंबर आपको नहीं पता है। ठीक है, एवरी वन में से वन हमने इंक्लूड कर दिया कि यहाँ पर 100 बच्चे अगर हैं तो 100 को मैं ये सारा जो सेंटेंस है सभी को बोल रही हूँ कि हमेशा सबको अपना प्रॉमिस रखना चाहिए। ठीक है, तो वन जो है इट इज अ प्रोनाउन यूज्ड व्हेन यू आर टू रिप्रेजेंट वन पर्सन। जैसे ईच और एवरी हम लोग यूज करते हैं तो वो स्पेसिफिकली यूज होता है, वो स्पेसिफिकली वर्ड बनाए गए हैं। वन जो है वो प्रोनाउन भी आपका एक तरह से आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, कि जितने भी वहां पर लोग इंक्लूडेड हैं उन सभी को, कीप योरसेल्फ म्यूटेड, उन सभी को हम लोग यही सेम सेंटेंस बोलना चाहते हैं, इसीलिए हम वन का यूज करते हैं। अंडरस्टूड? तो वन शुड कीप वन प्रॉमिस, वन शुड डू वन ड्यूटी, वन शुड फिनिश वन टास्क इन टाइम। तो यहाँ पर वन जहां पर भी यूज हो रहा है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो आपका प्रोनाउन हिज, हर, हिम, देयर ये सब नहीं लगेगा, सिर्फ वंस लगेगा। ठीक है, अंडरस्टूड और नॉट? यस मैम। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, रूल नंबर 8। व्हेन एनी प्रोनाउन functions as the complement of the verb. Complement का मतलब क्या होता है कि वो उसके बारे में बता रहा है या उसको complete करने के लिए, sentence को complete करने के लिए verb के बारे में कुछ बता रहा है। अगर वो नहीं बताएगा तो sentence आपका अधूरा रह जाएगा। Subject complements होते हैं हमारे, object complements होते हैं, ये सारे complement का मतलब होता है कि कोई ऐसा word या कोई ऐसा phrase जो आपका सेंटेंस कंप्लीट करता है, सेंटेंस का मतलब कंप्लीट करता है, और जिसके बारे में बताकर वो कंप्लीट करता है उसका वो कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ कह रहे हैं कि हम वर्ब कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब है, व्हेन एनी फंक्शंस एज द when any functionality verb complement to be is always in the nominative case. Nominative case मतलब होता है जो आपका cases रहता है, जैसे denotative होता है ना, denote करने वाला, तो nominative मतलब होता है जो meaning एक तरह से बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहना ये चाह रहा है कि अगर any pronoun जो है, कोई भी pronoun का function जो है वो वर्ब को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर निमोटेटिव केस जो होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड, कि मतलब सेंटेंस का जो भी क्लॉज है, सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह लगाते हैं या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर कंप्लीट करने के लिए जो लगाते हैं उस केस में, वहां पर मतलब कॉम्प्लीमेंट की जगह वो हमेशा टू बी रहेगा। It is me who has to go. ठीक है, ये incorrect है। Correct क्या है? It is I who have to go. मतलब क्या हुआ कि me जो है ये सब, ये हम object के लिए use करते हैं तो objective नहीं रहेगा, objective subjective रहेगा, आपका I रहेगा यहाँ। ठीक है, It is him who is to blame. तो him again आपका objective है तो objective नहीं रहेगा, subjective रहेगा। ठीक है, it is he who is to blame. It is he who would solve the problem easily. ठीक है, तो ये सारे केसेस जब भी रहता है, यानी कि आपका जो भी प्रोनाउन है, ठीक है, जो वर्ब का कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या हुआ ये मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पर। अगर आप इस सेंटेंस में देखे ध्यान से, it is I who has to go. तो अगर मैं यहाँ पर I नहीं लगाऊ, ठीक है, It is who have to go रखूं,
या फिर इट इज ही नहीं, हु हैव टू गो. तो ये तो क्वेश्चन हो गया, हु हैव टू गो ये आपका क्वेश्चन हो गया, कौन जाएगा, तो मैं जाऊंगी. तो ये बताने के लिए, ये सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पर ये सारी चीजें इंक्लूड की हैं, ठीक है. इट इज आई हु हैव टू गो, यानी कि हु हैव टू गो जो क्वेश्चन है या जो पार्शियल सेंटेंस है उसको कंप्लीट कर रहा है, इट इज आई. तो इट इज आई इज योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, ठीक है. और वो हमेशा नेमोनेटिव केस में रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेगा सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है. तो यहाँ पर इट इज ही आया, इट इज इट वॉज ही आया, तो हमेशा ये सब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेगा. ही शी आई वी ये सारे आपके सब्जेक्ट केस में आ रहे थे पर्सनल प्रोनाउन में, तो सिमिलर केस में ये सारी चीजें जो है आपका सब्जेक्ट केस में रहेंगी. कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब समझ गए, नेमोनेटिव केस समझ गए, यहाँ पर रूल क्या कह रहा है ये समझ गए. नहीं कुछ समझे तो अभी पूछ लो. रूल नंबर 8 में सबको क्लियर हो गया? आर यू श्योर एवरीवन इज क्लियर इन दिस? मैम इट लगाना जरूरी है क्या? इट लगाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर इट के अलावा और कुछ नहीं लगाएंगे आप, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली ही इज ही ये फ्रेज नहीं बनेगा, ठीक है. यहाँ पर फ्रेज आपको बनाना है, फ्रेज एक कंप्लीट करना है. ही हु इज टू ब्लेम, तो ये कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो इट इज ही हु इज टू ब्लेम जरूरी नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है इसीलिए लगाया गया है. सारे सेंटेंस ऐसे ही कंप्लीट होंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन कंप्लीट करना है. और यहाँ पर ये वाला जो प्रोनाउन लगेगा ही आई शी, ये सारे आपके नेमोनेटिव केस यानी कि सब्जेक्ट की जगह जहां से लगते हैं, सब्जेक्ट की जैसे ही लगेंगे. एनीवन एल्स, और किसी को कोई डाउट? चलिए नहीं है डाउट तो लेट मी जस्ट टेक द अटेंडेंस बिफोर वी कंटिन्यू. ओके, सो नेक्स्ट वुड बी रूल नंबर 9. रूल नंबर 9 सेज व्हेनेवर एनी प्रोनाउन फंक्शन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मेन वर्ब और अ प्रोपोजिशन इट इज इन द ऑब्जेक्टिव केस. यानी कि ये कहना क्या चाह रहे हैं कि जब भी आपका जो प्रोनाउन फंक्शन है वो ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट यानी कि मेन वर्ब जो काम हो रहा है उसका असर किसी पे पड़े, तो वो आपका प्रोनाउन फंक्शन अगर रहेगा, ठीक है, और प्रेपोजिशन रहेगा, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में रहता है. इसका मतलब क्या हुआ ये समझ लेते हैं. इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप सेंटेंस में यहाँ पर देखें, एग्जांपल के थ्रू समझिए, इट इज फॉर ही टू कंसिडर, ये नहीं होगा, इट इज फॉर हिम टू कंसिडर. यानी कि यहाँ पर ऊपर सेंटेंस में क्या हो रहा था, ऊपर सेंटेंस में हो रहा था कि जो काम कर रहा है उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है आपका वर्ब, ठीक है. हैव टू गो कौन जा रहा है, आई जा रहा है, तो ये जा रहा है मतलब ये काम कर रहा है, यानी कि ये सब्जेक्ट है, तो इसकी जगह आप सब्जेक्ट वाला केस रखेंगे यानी सब्जेक्टिव केस रखेंगे. तो जिस पे असर कर रहा है, इट इज फॉर हिम टू कंसिडर, मतलब वो उसके लिए है कि वो कंसिडर करे, ठीक है. जो भी काम हो रहा है उसका असर उस पे पड़ रहा है, तो उसे कंसिडर करना है, ठीक है, वो कंसिडर कर रहा है या उसके लिए कंसिडर किया जा रहा है. आस्क हिम टू गो मतलब उससे पूछो कि वो जाएगा तुम्हारे साथ या चलेगा तुम्हारे साथ, ठीक है. यानी कि मैं कह रही हूँ तुम्हें कि तुम उससे पूछो, तो यहाँ पर वो थर्ड पर्सन रहा और मेरे एक्शन का, मुझे मैंने तुम्हें बोला पूछने के लिए, तो मेरे एक्शन का इफेक्ट उस पे पड़ेगा, उससे जाके तुम पूछोगे. तो जिस पे इफेक्ट पड़ रहा है वो आपका मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ और उसके साथ प्रेपोजिशन. कौन सा प्रेपोजिशन लगा, यहाँ पर टू लगा, यहाँ पर भी टू लगा. इट इज फॉर हिम टू गो, फॉर भी है टू भी है, आपका दोनों प्रेपोजिशन है,
ask him to go. यहाँ पर अगेन टू गो इज टू इज योर प्रपोजिशन. तो अगर आपका मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव है, मतलब मेन वर्ब के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, मेन वर्ब का इफेक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है और आपके पास प्रपोजिशन है, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आ जाता है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में आ जाने का मतलब कि आप ये सारे वर्ड जो हैं, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये यूज करेंगे. मी यूज करेंगे, अस यूज करेंगे, यू यूज करेंगे, हिम यूज करेंगे. बेसिक कॉन्सेप्ट आपका सेम है. जहां पर आपका जो सेंटेंस है, जिसको काम करना है उसके बारे में बात हो रही है या उसको वो कर रहा है, इस तरह के सेंटेंस में आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे. और जिससे इफेक्ट पड़ रहा है, कोई और काम कर रहा है और उसका इफेक्ट किसी और पे पड़ रहा है, तो जिस पे पड़ रहा है उसको इंक्लूड करना है सब्जेक्ट में या सेंटेंस में, सॉरी, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा या ऑब्जेक्ट की तरह लगेगा. ठीक है, नहीं समझ में आया तो आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स इन द नेक्स्ट क्लास एंड वी कैन कंटिन्यू दिस. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कोई स्पेसिफिक डाउट जो मैं अभी क्लियर कर सकती हूँ? Any specific doubt in question number 9? Okay, अभी ये बहुत ज़्यादा फिकर कर रहा है. हाँ बच्चे, सॉरी, बोलो. बहुत ज़्यादा फिकर कर रहा है, तो I'm just going to stop sharing here. जो रूल है वो रूल आपको पता चल गया है, तो अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. सौरभ, आप बोल सकते हो जो भी डाउट है आपको. सौरभ, डू यू हैव एनी डाउट फॉर मी? ओके, there is anyone else who is having any particular doubt, या तो आप नोट डाउन करके रखिए या फिर आप नेक्स्ट क्लास में से पूछ सकते हैं. हम 9th रूल से दोबारा स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, ओके. सो आई हैव टेकन द अटेंडेंस. इफ यू डोंट हैव एनी स्पेसिफिक डाउट फॉर मी, वी कैन एंड दिस क्लास हियर. ओके, ओके. एंड अगेन नेक्स्ट क्लास हम लोग 9th रूल से ही दोबारा स्टार्ट करेंगे पढ़ना.